नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों को जाना था, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के विभिन्न भेदों की परिभाषा, उदाहरण और कुछ नई ट्रिक के साथ। आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा। आज की कक्षा में हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे, और सबसे खास बात आज की कक्षा में ये रहेगी कि हर जो विशेषण के भेद हैं, हमने जो समझे थे पिछली वीडियो में, उसके पढ़ने पर हर विशेषण के भेद पर एक ट्रिक मिलेगी, जिससे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा विद्यार्थियों उनको बहुत आसान रहेगा। हमने बहुत कोशिश की और सरल बनाने के लिए विशेषण के भेदों को। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। तो प्रश्न देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखें, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, स्वभाव एवं दशा को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, बुरा, अच्छा आदि, ये शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण होते हैं। आइए हम एक उदाहरण से और भी आसानी से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है, वह है अच्छा लड़का है। आपने ये बात समझा, इस बात को, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ ये सर्वनाम का एक वाक्य लिया है, वह सर्वनाम है। तो इसमें क्या, लड़के के गुण को बता रहा है, वो किस स्वभाव का या गुण का है, तो वो है अच्छा। यहाँ गुणवाचक विशेषण हो गया। उम्मीद है आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आ गई। तो बहुत सरल है, गुण जितने भी मनुष्य में गुण होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, वो सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो प्रश्न लिखिए, परिमाण वाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अब उत्तर लिखें, वे शब्द जो किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा यानी नाप तौल का बोध कराएं, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 1 मीटर, बहुत कुछ आदि। अब क्या है कि परिमाण वाचक के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाण वाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण वाचक। तो आप निश्चित परिमाण वाचक के बारे में थोड़ी सी एक लाइन लिख लें कि वे शब्द जो किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाण वाचक कहते हैं। यानी जैसे 2 लीटर, 1 किलो आदि। ऐसे जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं, 1 लीटर दूध दें। इस बात में हम निश्चित है कि उसे जो है फिक्स, यानी 1 लीटर दूध ही चाहिए। तो इसे बोलते हैं जिसमें पूरी तरह बात में हम निश्चित मात्रा का ज्ञान हो जाए, या आप देख रहे होंगे नाप तौल भी है, इसमें तौल नापा गया है दूध को 1 लीटर में। ऐसे आप वह 1 किलोमीटर दौड़ा, इस तरह के वाक्य में जहां हम निश्चिंत रहे वे होते निश्चित परिमाण वाचक। अब दूसरा उपभेद जो था अनिश्चित परिमाण वाचक, इसमें आप लिख लें, वे शब्द जो किसी वस्तु कि अनिश्चित परिमाण का बोध करा, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाण वाचक। जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत आदि। अब हम यहाँ एक बात के माध्यम से आप समझ सकते हैं अनिश्चित परिमाण वाचक को।
जैसे मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो इसमें हम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ कितने चाहिए, एक या दो जोड़ी या तीन जोड़ी, कुछ चाहिए। इस तरह है कि जो शब्द है मुझे कुछ फल चाहिए, तो यह है अनिश्चित वाचक के उदाहरण। उम्मीद है आपको परिमाण वाचक की परिभाषा और उसके उपभेद समझ में आए होंगे। आइए अब हम विशेषण का तीसरा भेद यानी संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं। प्रश्न लिखे, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, आधा, पांच आदि। सबसे अच्छी खास बात इसमें यह है कि इसके भी दो उपभेद होते हैं। नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आप तीन प्रकार की निश्चित संख्यावाचक को पढ़ेंगे। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक, इसमें हम निश्चित संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्रम सूचक। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं क्रम सूचक के? पहला, दूसरा, दोगुना, चौगुना आदि, बहुत से हैं इस तरह के। ये तो दो चार उदाहरण के तौर पे आपको बताए। फिर दूसरा क्या है इसका, समुदाय समुदाय में क्या है, दोनों, तीनों, चारों, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको, दोनों, तीनों और चारों, पांचों आदि। यानी कि जब बात में किसी को बुलाया जाए, चारों आ जाइए, पांचों आ जाइए, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे। तो एक है इसका दूसरा गणना, जिसकी गिनती की जा सकती है। इसमें एक, दो, तीन इस तरह के शब्द रहेंगे, दो, तीन, चार आदि। अब है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, यानी कुछ, थोड़ा, अधिक, हजारों आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो निश्चित संख्यावाचक में आप समझ गए होंगे कि निश्चित क्रमवाचक समुदाय या गणना के अंतर्गत शब्द हैं, बताए हैं, वो वाक्य में होंगे। और अनिश्चित संख्यावाचक में हजारों, बहुत, कुछ, थोड़े शब्द आएंगे। अब हम दोनों के एक एक उदाहरण से और भी स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, चार लड़के आ रहे हैं। अब ये निश्चित, चार लड़के आ रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से निश्चित है कि लड़के जो हैं वो चार ही हैं। तो इस तरह से ये गणना कर सकते हैं। तो चार गणना के अंतर्गत आ गया था निश्चित संख्यावाचक में। अब इसी को हम अनिश्चित में अगर बदल दें, तो अनिश्चित में क्या हुआ, कुछ लड़के आ रहे हैं, ये अनिश्चित है। उम्मीद है समझ गया होंगे, कुछ, तो ये जो शब्द आया है कुछ, वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है। कोई चार शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है। यदि आपको परीक्षा में ये इस तरह का एक वाक्य मिल जाए और उसमें यदि ये पूछा जाए कि ये वाक्य किस विशेषण का है और उसमें अगर संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन में, तब तो आपको कोई टिक करना है। यदि आपको संख्यावाचक विशेषण के दो भेद के विकल्प में आए, तो फिर आपको उसके बहुत करीब वाले ऑप्शन विकल्प पर ही टिक करना है। ये आपको याद रखना है बस। अब मुझे लगता है कि आप जो परिमाण वाचक और उसके उपभेद है, और संख्यावाचक और उसके भी दो उपभेद हैं,
इनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इतना तो एक शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय की बात समझ सकता, उसी कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ आपको एक ट्रिक बताई जाएगी। तो आप भी इसी तरह अपनी कॉपी या रजिस्टर में एक साइड परिमाण वाचक और उस साइड संख्या वाचक लिख लें और बीच में एक लाइन खींच लें। अब हम यहाँ परिमाण वाचक में एक दो फैक्ट लिखेंगे। जैसे परिमाण वाचक में इधर आप लिख सकते हैं कि इसमें वस्तुओं की नापतोल होती है, इसमें वस्तुओं की नापतोल होती है और इसमें क्या, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की गिनती होती है। यहाँ हम गिनती या गणना करेंगे संख्यावाचक में और इसमें नापतोल की जाएगी वस्तुओं। अब हम उदाहरण से समझते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या है नापतोल, जैसे कुछ दूध लाओ, ये परिमाण वाचक का उदाहरण, क्योंकि दूध एक द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा है जिसे नाप और तोल सकते हैं, इसलिए वो इसके अंतर्गत है। इसी तरह कुछ बच्चे इधर आ, अब चूंकि कुछ शब्द इसलिए लिया हमने दोनों में, क्योंकि वहां भी आ रहा है कुछ शब्द और संख्या वाचक में भी आ रहा कुछ शब्द। तो आप समझाए कैसे कि जब कुछ शब्द के साथ पदार्थ वाचक संज्ञा लगी हो जिन्हें नाप तोल सकते हैं, वे पदार्थ लगे हों, द्रव्य लगे हों, तो वो तो आ जाए परिमाण वाचक में। और वे जाति वाचक संज्ञा, जिस वाक्य में जाति वाचक संज्ञा हो वो आएगी किसमें, संख्या वाचक में। यानी कि इसमें आप दूसरा फैक्ट लिख सकते हैं, इसमें पदार्थ वाचक संज्ञा आती है, पदार्थवाचक संज्ञा और संख्यावाचक में देख सकते हैं इसमें जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि पिछले उदाहरण पे हम जाए, अगर उसमें लिखा था कुछ दूध ला, तो दूध क्या हो गया पदार्थ वाचक, और कुछ लड़के इधर आ, तो लड़का जाति को सूचित कर रहा है तो जाति वाचक, कुछ लड़के इधर आओ, कुछ आदमी काम कर रहे हैं तो आदमी भी क्या जाति वाचक, कुछ जानवर तेजी से भाग रहे हैं तो जानवर भी है जाति वाचक। तो ये एक बहुत ही सरल ट्रिक है, कैसे कि जाति वाचक संख्या वाचक के अंतर्गत आएगा और पदार्थ वाचक जो संज्ञा है वो परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल का ज्ञान को। धन्यवाद।